नम्स और नर्स के टेस्ट में कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपको इस तरह से लिखा हुआ होता है, नाम दे दिया जाएगा, कलर दे देंगे कि भाई पहले कलर लेट सपोज रेड है, ठीक है, फिर कलर येलो है सेकंड बैंड का, और फिर कलर जो है वो लेट सपोज ग्रीन है, और फोर्थ पे गोल्ड है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मेरे भाई इसके लिए पूरा एक हमारा चार्ट होता है। अब देखें, ब्लैक का मतलब है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे 8 और वाइट 9। और ब्राउन की जैसे कि 1 है तो देखो 10^1 है, ये रेड 2 है तो 10^2। ये क्या होती है, पावर क्यों आती है बता। देखिए जैसे कि न्यूमेरिकल है रेड, तो रेड की वैल्यू कितनी होती है 2, मैं 2 लिख दूंगा आराम से। फिर आगे येलो है, येलो की वैल्यू कितनी है 4। पहले दो में वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं, थर्ड से थर्ड फैक्टर हम ये नहीं लिखते बल्कि ये लिखते हैं। ग्रीन है थर्ड पे, तो देखो ग्रीन का मतलब 5 नहीं लेंगे बल्कि मल्टीप्लाई बाय 10^5। अब अगर गोल्ड है तो इसके अंदर टॉलरेंस होगी 5% की, सिल्वर है तो 10% की, और अगर नन है कोई नहीं दिया हुआ तो टॉलरेंस होती है 20%। मैं लिख दूंगा प्लस माइनस 5% और ये आंसर आ गया। नम्स ने पूछा क्या था सवाल, एक और सवाल दे रहा हूँ, नर्स के टेस्ट में आया हुआ, वायलेट ब्लू येलो और सिल्वर। वायलेट का मतलब चार्ट में मैं देखूंगा 7, पहली वाली वैल्यू एज इट इज, दूसरी भी एज इट इज। ब्लू का मतलब है 6, 76। येलो का मतलब अब क्या होता है, येलो बराबर है 4 के, तो 4 नहीं आएगा बल्कि 10^4 आएगा, प्लस माइनस, हाँ जी, कितने परसेंट का टॉलरेंस है, सिल्वर है तो 10%। अब मेरे एक और न्यूमेरिकल जो कि नस के टेस्ट में ही आया हुआ था, उन्होंने पहले दिया था मेरे भाई ब्राउन, फिर दिया था ग्रीन, फिर वायलेट और आगे कुछ नहीं दिया, आगे कुछ नहीं दिया तो हम क्या चेंज करेंगे ना। ब्लू मेरे भाई ब्राउन बराबर है 1K, ओके जी, ग्रीन बराबर है 5K, पहली दो वैल्यू ऐसे आ गए, वायलेट का मतलब 7 नहीं बल गया, अब इंटू 10^7 होगा, प्लस माइनस कितना परसेंट हो जाएगा 20%, टॉलरेंस लेवल है इसका 20%। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करें क्योंकि नम्स नस में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि नस का टेस्ट भी करीब है, सेकंड ईयर के एग्जाम भी करीब है, इसलिए वीडियोस आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा बच्चों का भला हो जाए। तो अच्छा शेयर कर लिया करें, फेसबुक पे अपनी टाइमलाइन में भी डाल दिया करें, उससे ज़्यादा लोग देख लेते हैं। थैंक्स सो मच।